चिंतामणि हरि नाम है सफल करे सब काम। महामंत्र मानो यह राम राम श्री राम। चिंतामणि हरि नाम है सफल करे सब काम। महामंत्र मानो यह राम राम श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है ऐसे रघुनंदन के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। जय सिया राम। आप सबको हैप्पी 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 रामनवमी। बहुत बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की आप लोगों को। हाँ तो आप लोग कैसे मना रहे हैं? भारत में, दुनिया में, कहीं भी हैं, कैसे मना रहे हैं बताइएगा। हाँ बताइएगा। हम लोग का पूजा पाठ हो चुका है, मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के आगे खड़े हैं। घूम जाइए झाजी, थोड़ा सा घूम जाइए, घूम जाइए। पूजा पाठ हमारा हो चुका है। जय सिया राम। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, और इसी तरह हर फेस्टिवल हम लोग मनाते रहेंगे आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से। एकदम तो है ना, ऐसे सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, ठीक है। जय सिया राम। राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है उनको हमारा सादर प्रणाम है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मौसम इज बेकार है ना। यस सो चाय 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 गरम चाय गरम चाय गरम गरम चाय तो बस मैडम बस मार्क्स तो मैडम ये ना फूलने दे दिया रात में ना छोले द भटोरे बना देंगे ठीक है। और एक कमेंट आया था भटोरे का ना पूरा रेसिपी स्टेप बाय स्टेप प्लीज साझा करें स्टेप बाय स्टेप साझा करे वो करना है नहीं। और मीठा में आज ये देख रहे हैं क्या क्या है? अरे तो कुछ मीठा मीठा लग रहा है। हाँ। खीर ना खीर तो बनेगा हमारे घर में। अरे तुम क्या है ये बाबू? यो कहाँ बना दी बे? होली में बनता है। होली में बनता दही बड़ा मालपुआ खाएंगे मालपुआ खाएंगे। रखे थे खाली केला थोड़ा मिक्स कर देते हैं एक तरफ पहले आपका चाय चढ़ा देते हैं। हाँ चाय दीजिए चाय दीजिए हमको काम भी करने जाना है। जल्दी चाय दीजिए पूजा पे सोचते हैं हमको चाय चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेबी कम ऑन आई डोंट हैव टाइम यू हैव काइंड साइड। एक कमेंट आया था बोले कि मैडम जी आप अपने छत से ना पूरा लुक दिखाइए ना। छत छत पे नहीं जा सकते भाई उनको ना वो आई है नहीं पता होगा ना एक्सप्लेन में। हाँ तो एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ छत नहीं होता उनको दिखा। हाँ, जर्मनी में छत होता है लेकिन सीढ़ी वहाँ जाने का एक्सेस नहीं है भाई। सीढ़ी नहीं बनाता ऊपर तक समझे। वो साफ सफाई करने अपना जो है सीढ़ी लेके कभी कभार जाइए साफ कीजिए। लेकिन इंडिया जैसा यहाँ नहीं है छत का ना कॉन्सेप्ट नहीं है। कितना अच्छा रहता हमारा छत रहता ऊपर जाके घूमते रहते हैं। अभी वो छत बोली ना तो याद आ गया अपना छत ने छत याद आ गई यार सही में छत तो होना चाहिए था छत क्यों नहीं है। चलिए यहाँ पे चाय चढ़ चुका है समझे जाजी पुआ और अभी थोड़ा सा लंच दे देते हैं ठीक है। ओके चलिए ओके एक्चुअली इसमें सब कुछ तो मिक्स कर ही दिए थे बस बनाना मिक्स करना रहता है क्योंकि बनाना अगर रात में करेंगे ना तो काला हो जाए। बस ये मिक्स करते हैं चलिए। तो चलिए यहाँ पे इसको देख रहे हैं मिक्स करके छोड़ दिए हैं। जब तक आधे घंटे ये फूलेगा तब तक झाजी को चाय दे देते हैं और लंच में बनेगा ये देख रहे हैं ये बनेगा।
ये पैकेट जब खुलता है ऋषित स्कूल ले जाते हैं ना, तभी हम लोग बना के इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि खुलने के बाद ना ये नहीं टिकता है। इसमें 6 पीस आता है, 2 ऋषित ले जाते हैं, 2 हम लोग खाते हैं, 2 ये खाते हैं, तो टोटल खत्म हो जाता है। चलिए उनको देख के आते हैं यहाँ पे चाय चाय। ये देखो पुआ है ना, लग रहा है ना पूरी है, मस्त फूला है। हम सोचे दिखाते हैं, मस्त एकदम देख रहे फूला मस्त है। और यहाँ पे वही इतना व्हाइट मत दिखो यार, ये देखिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है और मस्त लग रहा है, पूरी पूरी ये सब फूल रहा है, मतलब अच्छे से बैटर ना घुलाया है, घोल अच्छा बना है इस बार। क्या बताएं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, मेरा बूम भरा हुआ है, भरा हुआ है। हाँ हाँ, अरे यार, अरे यार जल, अरे यार जलना मत। कैसे है पुआ, टेस्टी है ना? जो लेकर, जो लेकर, वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। हाँ हाँ, मस्त बना है। चलिए चलिए उसको निकालते हैं। तो चलिए, बहुत लोग ना इस कवर के बारे में पूछ रहे थे, दीदी कैसा काम कर रहा है। तो कवर बहुत अच्छा है, और क्लीनिंग का बोले तो क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाता है। हल्दी का बस एक हल्दी का है कि अगर तुरंत क्लीन कर दो तो क्लीन हो जाता है, अगर रह गया 1-2 घंटा तब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, घिसना पड़ता है। यहाँ पे ये वाले एरिया में लगा था, बट यहाँ पे पूरा क्लीन हो गया, थोड़ा मेहनत लगता है बट क्लीन हो जाता है। तो ये आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है, मतलब हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब ना ग्लास व्लास कोई भी रखता है तो हमको अब डर नहीं लगता है, क्लीनिंग में भी ये है। और इसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक और चीज लेके आए हैं कि खाना जिस समय खाएंगे ना उसका यूज, ये वाला का यूज करेंगे, ये लेके आए हैं। हर बार ना ये वाला ना हमको नेट वाला कलर ना अच्छा, नेट अच्छा लगता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये नेट का है, ये अच्छा लगता है डिजाइन, बट क्या होता है ना नेट पूरा ना इधर से खाओ और नीचे खाना वाना गिरता है तो फिर लग जाएगा, तो कोई फर्क पर तो पड़ता नहीं था। तो इस बार ना ये वाला मिला, पीछे देख रहे पूरा प्लास्टिक है, तो मतलब डिजाइन भी आ गया, पीछे प्लास्टिक भी, आप खाना पीना भी नहीं गिरेगा। तो इसका ना हम कितना 6 का सेट लेके आए हैं टोटल, और ये पड़ा 79 सेंट का एक पड़ा है, और कलर भी बहुत प्यारा लगा, तो व्हाइट पे ना अच्छा लगेगा। तो ये लेके आए हैं, क्योंकि कितना भी कुछ करो ना, चलो प्रोटेक्शन ग्लास का तो हो गया टेबल का, लेकिन बाबा खाना पीना जो गिरता है उसके लिए भी तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, स्पेशली ना ऋषित के लिए लेके आए हैं। और कभी कभी जब सब्जी बीच में गेस्ट लोग आते हैं जब रखते हैं तो भी गिरता है, ये वाला है, क्योंकि ये इतना प्यारा लग रहा है ना, अगर इस पे व्हाइट पे एक भी अगर दाग रहेगा ना तो बहुत गंदा दिखेगा, इसलिए हम ये लेके आए हैं, सोचे आप लोग को दिखाते हैं। और 79 सेंट में दिया, इतना अच्छा लग रहा था ना, ये देख रहे हैं। इससे पहले ना हम यूज कर रहे हैं, वहां पे गोल्डन है और वहां पे भी गोल्डन है, बट सेम यही पैटर्न है, बट इसके पीछे ये प्लास्टिक नहीं है, तो कुछ भी यूज करो ना तो वो गंदा हो ही जाता है। तो चलिए इसके साथ यहाँ पे 2 लंच बॉक्स लेके आए थे, देख रहे 150 सेंट में दिया, प्लास्टिक है लेकिन इतना सस्ता हमको कहीं नहीं मिलता है, देख रहे। तो चलिए टेबल वाला लगाते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखो अच्छा लग रहा है, कलर जो ब्लैक है ना, और ये भी ब्लैक है ना, तो सुंदर लग रहा है। अब बचेगा मेरा टेबल, तो अभी 6 डाल दिए, हम सोच रहे हैं अभी 4 कुर्सी है ना तो 2 को हटा दे। कैसा लग रहा है कैमरा में, और डिजाइन ना इसका मस्त लग रहा है दिखने में ना, देख रहे हो, अरे बाप रे मोबाइल का ना गिर, देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ना। तो अभी 4 चेयर है ना, हम सोच रहे हैं 4 ही रखते हैं, ये 2 हटा देते, नहीं तो रहने देते, इसे तो वहां भी कुछ कुछ रख देते हैं, क्योंकि व्हाइट में बाबा दाग लगना और उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं इवनिंग में। तो चलिए यहाँ पे हमारा छोले देख रहे हैं बन चुका है, कलर कितना मस्त लग रहा है ना, चलिए बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं, कलर बहुत प्यारा है। ऊपर जो तड़का लगता है ना मिर्ची का और लाल मिर्च का, अदरक का, तो उसका ना कलर ही मस्त आता है। तो चलिए इसको बंद करते हैं, ये हो चुका है, अब लगाना है बटोरे का आटा गूंदना है, वो शेयर करने वाले हैं, क्योंकि एक कमेंट आया था, नाम क्या था उनका,
आईडी था पीके से, कुछ ऐसे ही था, पीके लिखा हुआ था नाम उनका, पीके आईडी से आया था। भटोरे का आटा कैसे लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। और इससे पहले ना हम शॉर्ट्स एक ना छोले भटोरे का ना अपलोड किए हुए थे वीडियो, तो उन्होंने पूछा कि स्टेप बाय स्टेप बताइएगा कि भटोरे का आटा कैसे लगाते हैं। तो अभी देख रहे हैं सारा सामान ना निकाल के रखे हैं, तो सोचे जो वीडियो से बनाना ही है तो शेयर कर लेते हैं आपके लिए भी थोड़ा सा, आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, यूजफुल हो जाएगा। हम जैसे बनाते वैसे आप भी सीख जाइएगा। चलिए ये तो बंद हो गया, अब आटा लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ले लिए मैदा लिए हैं, और ये मैदा ना इंडियन स्टोर वाला है, यहाँ या का आता है ना, या वाला जो मैदा रहता है यहाँ पे जर्मन सुपरमार्केट में जो मैदा रहता है उसका हम नहीं बनाते, क्योंकि वो ना उसका टेस्ट पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता है मेरे को, कितना भी अच्छा से बनाओ एक दो भटोरे के बाद ना खा ही नहीं पाते हैं। हम ये इंडियन स्टोर से लेके आते हैं, आनम का है, इससे बनाएंगे। और साथ में यहाँ पे लिए हैं सूजी लिए हैं, सॉल्ट लिए हैं, दही लिए हैं, और यहाँ पे लिए हैं ऑयल, समझे। और ना तो हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं ना ही शुगर यूज करते हैं। और मशीन में हम गूंथ रहे हैं, यहाँ पे पानी लिए थोड़ा सा, जितना आप हो सके दही में सानिए, पानी का यूज बहुत कम करेंगे, लेकिन दही का यूज जितना ज्यादा कीजिएगा ना आपका भटोरा उतना ही फ्लफी बनेगा। चलिए पहले इसको डालते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आटा ले लेते हैं, और आटा अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए, जितना आदमी है उस हिसाब से गूंथना है। यहाँ पे ना हम ज़्यादा ही लेते हैं, 4-5 डबल लेते हैं, क्योंकि ऋषित को ना भटोरे छोले बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अभी भी खाएगा सुबह भी खाएगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही हम ले लेते हैं। और यहाँ पे सूजी जो यूज कर रहे हैं ना, ये बारीक पिसा हुआ सूजी एकदम पतला है, अगर मोटा सूजी है ना तो उसको क्या कीजिए, सबसे पहले पानी में थोड़ी देर भिंगो के उसके बाद ना मैदे में ऐड कीजिए, क्योंकि अगर मोटा रहेगा ना तो फिर मैं आपका ना भटोरा अच्छा नहीं फूलेगा। या तो उसको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, उसके बाद फिर मैदे में ऐड करें। तो यहाँ पर जो सूजी हम यूज किए ना वो बहुत पतला है एकदम। और आप ना कोशिश करें कि दही से ही ज़्यादा ना आसान है, पानी का क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखें, या दही और बाद में थोड़ा सा तेल को ऐड कर देंगे। दही से क्या होता है ना, आपका भटोरा ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, कड़ा कड़ा उतना नहीं होता है। और आटा ना आपको गीला भी नहीं लगाना है, सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, नॉर्मल डो रखना है आपको। और इसको ना अच्छे से ना तेल से पूरा लगा के इसको ना 1/2 आवर तक या 1 आवर तक इसको ढक के कवर करके छोड़ दीजिए, उसके बाद ही 1 घंटे के बाद ही बनाया कीजिए। वाह क्या मस्त दिख रहा है, देखिए छन छना गया, वाह जानू जगह जगह भटूरा बन रहा है, क्या बात है। किसी ने रेसिपी पूछा, हाँ तो उसका रेसिपी आप शेयर कर रहे हैं क्या? कर दिए, गजब धुआं निकल रहा है, गजब लग रहा है ट्रेन से। ये देखिए बेकिंग सोडा का भी पीता है, और ये पूरा लाइन में लगा हुआ है, सब नंबर में लगा हुआ है। तो उधर आम आम भी आया है, वो भी कटा हुआ है। सच में। तो ऐसे करके आप भी घर में भटोरा बना सकते हैं बिना बेकिंग सोडा का, हमने यूज किया ना, देखे पूरा प्रोसेस शेयर किए हैं। तेल बहुत गर्म होना चाहिए, ठंडा तेल में बिल्कुल मत डालिएगा, पकड़ के सूखी हो जाएगा। अच्छा भटूरा भी शेयर किए हैं, छोला भी तो ना? नहीं छोला नहीं, अच्छा भटूरा खाली ना। कैसा लग रहा है बताइए? एक नंबर लगत बाड़ा हो। इंटेलिजेंट लेडी, so elegance, so sexy, just looking, wow. इतना बना बना के ना जानू, आपका ड्रेस का कलर और भटूरे का कलर तो मिक्स के जैसा हो गया हो। हाँ मैचिंग हो गया, क्या बात है। चलिए तो आप शुभ रात्रि, गुटे नाक, बाय बाय, सबक खैर, सब कुछ बोला जाए। बाय बाय सबक खैर, रुकिए एक खुलेगा उसके बाद हम बाय बोलेंगे। आसु ये बात है, ए भाई ए भाई तुम ठीक से हो ना भाई, ये तो ना मेरी बीवी बोलिए भाई नहीं बोल पाएगी, ए भाई कान छुल लग जा रहा है, ए भाई चलो हो गया हो गया। हाँ।
चलिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।